हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर 24/7। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। भास्कर जी की बात मानो और लाइक कर दो, बिल्कुल सही बात है। 8-2 तक हम आ गए डेली की तरह। ओके, और हम भी आ गए डेली की तरह। चलो भैया, तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा की। अच्छा, ये नेटवर्क क्या बोलने लगता है क्या? चलो, तो आपके लिए एक और सूचनाएं हैं। मतलब मैंने सोचा कि यार देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक पहुंचती रहनी चाहिए, और ज़रूरी है कि आप, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस एक क्लास, मुझे आधे घंटे का टाइम, अगर मैं आधा घंटा एक क्लास पढ़ाता हूँ, मान लो कल तो भावुक हो गया था थोड़ा, तो ज़्यादा लंबा चला गया, अगर मैं आधा घंटा पढ़ाता हूँ तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि ऐसी ही एक और क्लास हो जाए जिसमें कि आपको कुछ और भी चीज़ें मिलें। तो मैंने बहुत चीज़ें सोची हैं, मैंने अच्छे तरीके से टीम मेम्बर के साथ बैठ कर डिस्कशन किया, और मैंने कहा एक ही नहीं सबकी क्लास ऐसी बेहतरीन होनी चाहिए। सबके साथ बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, आज मैं उन सब चीज़ों को रिवील करूंगा। पहली चीज़ मैं आपको अभी रिवील करता हूं, और बाद में दो चीज़ मैं आपको लास्ट में रिवील करूंगा, बाकायदा टू द पॉइंट। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक अपडेट टाइम पर प्राप्त होती जाए, ठीक है। और साथ ही, हाँ, इको के बारे में नहीं बताया, अरे रजत वर्मा जी, कल 2:30 बजे आपके राजस्थान जो डबल ए है उत्तराखंड का, उसके लिए भी एक सेशन लेके आ रहे हैं 2:30 बजे, ठीक है, टेंशन मत लो। ये हमारा एफओ का बैच है, तो अगर किसी बच्चे को अपना पूरा फाउंडेशन मजबूत करना है तो हमारे इस नए बैच के अंदर इनरोल कर सकता है। 14 फेब से इस बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनरोल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है Y612। आपको अगर आकार सकते मेंटोरशिप में अगर पूरा बैच अच्छे से चलाना है तो Y612 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, Y612, और इनरोल कर लेंगे। ये है आपके लिए पहली खास बात, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का आखिरी बार जो मैं आपको फ्राइडे को सुबह 10 बजे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास मतलब अभी इंट्रोडक्शन क्लास होगी एक तरीके से, और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मंडे को, यानी कि ये आपकी जो आपकी 12 बजे, 10 एम लिखा है, 12 बजे कर लेना, थोड़ा सा उसमें गलत हो गया होगा, तो 12 बजे ये फ्राइडे को क्लास होगी। इसके बाद ये क्लास आपके साथ मंडे को होगी, यहाँ तक मैं लौट के आऊँगा थोड़ा बाहर, फिर मंडे को क्लास होगी। तो ये बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्लास में कोई इफ बट नहीं करना, चुपचाप बैठ के पूरी क्लास अटेंड करनी है। तो परसों यानी कि फ्राइडे को 12 बजे इस बेहतरीन क्लास को आप लोग अटेंड करेंगे, ठीक। ऐसे ही और भी फैकल्टी की क्लासेस हैं जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं, एक नए नाम के साथ आपको सब क्लासेस मिलने वाली है। टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेशन मेथड यूज्ड इन ड्रॉपी वाइन। 2019 के एफओ में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बताइए। ओके, फटाख से इसका आंसर दीजिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेशन मेथड यूज इन ड्रॉपी वाइन। ड्रॉपी वाइन में कौन सा प्रोपोगेशन मेथड यूज कर देते हैं? सरपेंटाइन लेयरिंग यूज करते हैं, माउंट लेयरिंग यूज करते हैं, इनार्चिंग यूज करते हैं, या एयर लेयरिंग यूज करते हैं? बताइए भाई, फटाक से बताइए। हाँ, आज 2 घंटे की नहीं होती, आधे घंटे की क्लास होगी, तुम्हें ढूंढेंगे तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, आपके लिए क्लासेस में और भी प्लान कर रहा हूँ ना, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा क्लासेस प्लान कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। ओके, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर दीजिए फटाक से। आंसर इसका हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा सरपेंटाइन लेयरिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? सरपेंटाइन लेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सरपेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है, हल्का सा जान लो होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर सिंपल लेयरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा ये प्लांट आराम से निकला हुआ है, आपने इस प्लांट के पार्ट को उठाया और जमीन के अंदर दबा दिया, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्लांट के पार्ट को जमीन के अंदर दबा दिया और उससे नया प्लांट तैयार कर लिया, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल लेयरिंग बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि जो हमारा सरपेंटाइन लेयरिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग पार्ट को 1, 2, 3, 4 कई बार हम लोग सॉयल की सरफेस से में लगा कर रखते हैं, जिससे कि यहाँ से इस पोर्शन को काट देते हैं, क्लिप से बांध देते हैं और नए नए प्लांट तैयार होने लगते हैं, ठीक है। तो जब ये बहुत ही जो वाइनी प्लांट होते हैं उनमें इस तरीके की लेयरिंग की जाती है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरपेंटाइरिंग लेयरिंग बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सरपेंटाइरिंग लेयरिंग। अच्छा, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है कि देखो जो लेयरिंग हम लोग हवा में करते हैं, ठीक है, हवा में हम लोग बड़ा सा ग्रिड लगा के उसमें लेयरिंग कर लेते हैं, वो कौन सी होती है, एयर लेयरिंग होती है। सरपेंटाइरिंग लेयरिंग मुख्यतः जो वाइनी प्लांट होते हैं उनमें की जाती है, और एयर लेयरिंग जो है ये हमारी लीची में की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आजकल आप हर एक फ्रूट में आप एयर लेयरिंग कर सकते हो, ज्यादातर अगर बात करेंगे तो ग्वावा में भी एयर लेयरिंग कर सकते हो, और इसके साथ साथ अनार में भी एयर लेयरिंग कर सकते हो, और लीची और नींबू में भी एयर लेयरिंग कर सकते हो, लीची में भी कर सकते हो, ठीक है। मुख्यतः हम लोग लीची में पढ़ते हैं। माउंट लेयरिंग की बात करेंगे तो माउंट लेयरिंग मुख्यतः जो की जाती है वो की जाती है किसके अंदर, ग्वावा के अंदर। होता क्या है, देखो अच्छे तरीके से हमारा पूरा प्लांट बना हुआ है, ठीक है, इससे नई नई ब्रांचेस निकली हुई है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, इसके ऊपर इस पूरे पोर्शन को मिट्टी से कवर कर दिया,
इस पूरे पर्सन को मिट्टी से कवर कर दिया। जब इस पूरे पर्सन को आप मिट्टी से कवर कर देंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर आपकी इसकी जो रूट आपके जो स्टेम लगे हुए हैं या जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में क्या होगा, जहां जहां से बड्स निकली होगी वहां से रूट्स निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी? रूट्स निकल आएंगी, और उन रूट्स उस पोर्शन को काट कर नया प्लांट तैयार कर लेंगे। उसे को हम लोग माउंट लेयरिंग बोल देते हैं, यानी कि पूरा जो गुंबद बन जाता है उस गुंबद नुमा स्ट्रक्चर से जब नया प्लांट तैयार करते हैं उसे हम लोग माउंट लेयरिंग बोल देते हैं। ये मुख्यतः गुआवा में कर लेते हैं। इन आर्चिंग की बात करेंगे तो यहाँ हनुमान वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था कि पूरा वृक्ष ही उठा के ले आएंगे, पूरा पॉट ले आएंगे, पॉट को आके लगा देंगे और उसे क्या बोलेंगे, माउंट लेयरिंग बोलेंगे। ए लेयरिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये इतने कॉन्सेप्ट याद रखिएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत हो हमें बताइएगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपगेशन मतलब ड्रॉपिंग आने के लिए क्या रहेगा, सरपेंटाइन लेयरिंग हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ टिलेज 15 से 25, अच्छा ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, छोड़ो आगे देखो। हाँ, सिटेसिव टाइप ऑफ एंटीना, ठीक है, इसका मैं नीचे ऑप्शन डाला, भूल गया था, बताइए। सिटेसिव टाइप ऑफ एंटीना आर फाउंड इन कॉकरोच, ग्रास ऑपर, टर्माइट्स या सॉफ्टफ्लाई, फटाक से बताइए। हाँ, सिटेसिव टाइप के एंटीना जो होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको आराम से इसके आंसर देने चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर जो है आपको बहुत प्यार से देने चाहिए। बताइए, सिटेसिव टाइप ऑफ एंटीनी आर फाउंड इन कॉकरोच, ग्रास ऑपर, टर्माइट्स या फिर सॉफ्टफ्लाई। ठीक है, अगर कभी किसी ने हमारे इंटमोटोलॉजी से जीआरएफ की तैयारी की हो सपने उपने में, तो वो इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, जीआरएफ नहीं, सिंपल भी किया तब भी आंसर दे सकता है। ठीक है, आप बाकी आपने लफड़ाई की है तो आंसर क्या ही दोगे। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा कि जो सिटासियस होता है वो पाया जाता है किसके अंदर, आपके कॉकरोच के अंदर, और कॉकरोच के अलावा लीफ हॉपर के अंदर, कॉकरोच के अलावा लीफ हॉपर के अंदर भी कौन सा एंटीना होता है बच्चों, कि आपका सिटासियस टाइप ऑफ एंटीना पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जो हमारा ग्रास हॉपर होता है, इस ग्रास हॉपर में फिलीफॉर्म, ठीक है, यहां पे लिख लो, देखो आपका एक एक चीज को आप याद करते चलो, फिलीफॉर्म एंटीना जो होते हैं ये बेटा जी ग्रास हॉपर के अंदर पाए जाते हैं, इसको लिख लिया तुरंत। हाँ, आगे देखो, अगर मैं मोनलीफॉर्म की बात करूंगा तो टर्माइट्स के अंदर बेटा कौन से, मोनलीफॉर्म, जो मोनलीफॉर्म होते हैं, ठीक है, ये मोनलीफॉर्म एंटीने जो होते हैं ये आपके टर्माइट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए सॉफ्टफ्लाई कि भैया सॉफ्टफ्लाई के अंदर, हाँ थोड़ा हिंदी में समझाते जाइए बेटा जी, देखो ये जो आपका सिटासियस है ना, ये ऐसे ही आपके पेपर में आता है। ठीक है, हाँ, कॉकरोच को हम लोग कीड़ा बोल, ठीक है, कॉकरोच को हम लोग क्या बोलते हैं, तिलचट्टा बोल देते हैं। ठीक है, ग्रास ऑपर को फुदका बोल देते हैं, फुदकने वाला, टर्माइट्स को दीमक बोल देते हैं। ठीक है, सॉफ्टफ्लाई को सॉफ्टफ्लाई बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम नहीं पता है। ठीक है, आराम से पढ़ो, आगे देखो, आगे देखो हमारा जो, हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टफ्लाई जो होता है इसमें जो है पेक्टिनेट टाइप, कौन सा बच्चों, पेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, तो पेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीनी किसके अंदर पाई जाती है, सॉफ्टफ्लाई के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से बन सकते हैं, आराम से इसके बैठ के ऐसा आंसर दिया करो। ठीक, अच्छा, एक होता है हमारा मैंगो मिलीबग, उस मैंगो मिलीबग में हॉर्नलेट टाइप ऑफ एंटीनी पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसे इनको लिख लिया करो, आप एक साथ इनको कंप्लीट कर लेगा, हॉर्नलेट टाइप ऑफ एंटीनी किसके पाए जाते हैं, मैंगो मिलीबग के अंदर। ठीक है, तो मैंगो मिलीबग के अंदर हमारे जो एंटीनी होते हैं कौन से होते हैं, हॉर्नलेट टाइप ऑफ एंटीनी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा होता है हाउस फ्लाई, उस हाउस फ्लाई के अंदर एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीनी पाए जाते हैं, एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीनी जो होते हैं ये पाए जाते हैं हाउस फ्लाई के अंदर। ठीक, तो अब आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपको एक जगह एंटीना सभी मिल गए, आपने लिख लिए और आराम से इसको याद कर लेना। ठीक है, आराम से इसको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, एक और होता है मेल मॉस्किटो, तो मेल मॉस्किटो में प्लूमोस टाइप ऑफ पाए जाते हैं, तो प्लूमोस टाइप के जो एंटीना होते हैं ये मेल मॉस्किटो में पाए जाते हैं, किसके अंदर, मेल मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, तो अब आपने लिख लिया, बस इतनी कहानी क्लियर है। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा देखो, 75 बच्चे देख रहे हो, 39 लाइक है, गलत बात है। ठीक है, हाँ, अब लोग लाइक बटन पे प्रेस कर दिया करो, और सभी को गुड इवनिंग, लेकिन टाइम से आया करो, जो बच्चे लेट आएंगे उनसे जो है फाइन वसूल लेंगे। ठीक है यार, फाइन की बात कुछ और याद आ जाता है। ठीक है भैया, याद रखो करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉकरोच, आगे देखो, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, बताइए पियर्सिंग और सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, मॉस्किटो के अंदर पाए जाते हैं, ग्रास हॉपर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, और आपके हाउस फ्लाई के अंदर पाए जाते हैं या फिर बटरफ्लाई के अंदर पाए जाते हैं, बताओ फटाक से। हाँ बताओ, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, हाँ फटाक से बताओ। ओके, अब देखो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, इसका मॉस्किटो, तो मॉस्किटो के अंदर क्या होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारा ग्रास ऑपर होता है,
इस ग्रास ऑपर के अंदर देखा जाएगा तो बाइटिंग और चुबिंग टाइप, ठीक है, बाइटिंग और चुबिंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं ये हमारे ग्रास ऑपर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको भी लिख लेना, ठीक है, हमारे जो बाइटिंग और चुबिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं ये पाए जाते हैं ग्रास ऑपर के अंदर। अच्छा, हाउस फ्लाई के अंदर किस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, किसी को पता है? ठीक है, हमारी जो हाउस फ्लाई होती है उसमें किस प्रकार के होते हैं? तो स्पॉन्जिंग टाइप, लिख लो, स्पॉन्जिंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप वो होते हैं हमारी प्यारी सी हाउस फ्लाई के अंदर, ठीक है, याद रखना। और जो साइफोनिंग टाइप होते हैं वो होते हैं बटरफ्लाई के अंदर, ये भी लिख लो, साइफोनिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, साइफोनिंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं ये होते हैं हमारी बटरफ्लाई के अंदर। तो इनको बहुत टू डी पॉइंट करके लिख लिया को, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, एकदम टू डी पॉइंट करके एक एक चीज को अपने कॉपी पे मेंटेन करते चलो, ठीक। तो मॉस्किटो में हमने कौन से पढ़े, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, ठीक है, वाइटिंग और चुबिंग टाइप किसके अंदर होते हैं, ग्रास ऑपर के अंदर होते हैं। हाउस फ्लाई की अंदर बात करेंगे तो स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, और बटरफ्लाई की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो साइफोनिक टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं ये भैया जी बटरफ्लाई के अंदर पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, अच्छा, एक और होता है, वो होता है रेस्पिंग टाइप। तो रेस्पिंग और सकिंग टाइप किसके अंदर होते हैं ये भी बता दो। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट है ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक, तो ये अरे माला है, हाँ, रेस्पिंग और सकिंग टाइप ये बताइए। तो रेस्पिंग और सकिंग टाइप है ये किस प्रकार के माउथ पार्ट किसके अंदर पाए जाते हैं, तो बेटा थ्रिप्स के अंदर, लिख लो, थ्रिप्स के अंदर जो है आपके रेस्किंग रेस्पिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, ठीक। तो इसको कहानी को भी आपने लिख लिया होगा, अब बढ़ते हैं अगले को। हाँ, लेपिंग टाइप जो होते हैं मधुमक्खी के अंदर होते हैं, वेरी गुड, ठीक है, अब बढ़े आगे। हाँ, वेरी गुड बेटा, थ्रिप्स बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आराम से। एम्बुलेटेरियन टाइप ऑफ लेग आर फाउंड। एम्बुलेटेरियन टाइप के जो लेग होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं? अब देखो आपके, देखो एंटीना निपट गए, ठीक है, जो माउथ पार्ट थे वो निपट गए, अब मॉडिफिकेशन ऑफ लेग भी निपट जाएंगे, आपके तीन क्वेश्चन डिटेल में हो जाएंगे, आराम से आप इसको नोट कर लेंगे। बताओ बताओ भैया। ओके ओके, अच्छा आपने फोन सुनो, एक और चीज है, हो सकता है किसी ने एम्बुलेटोरियल ना सुना हो, ठीक है, एम्बुलेटोरियल को और क्या बोल देते हैं, तो इसको लिख लेना, एम्बुलेटोरियल को हमको वॉकिंग टाइप बोल देते हैं, वॉकिंग टाइप। तो जो वॉकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ओके, ग्रास हॉपर आंसर आ रहा है बच्चों, ग्रास हॉपर आ रहा है, अरे बच्चों ग्रास हॉपर में तो साल्टोरियल टाइप होते हैं, इतना तो हमें भी याद रहता है, साल्टोरियल टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं बेटा वो ग्रास ऊपर में होते हैं, याद रखा करो, ठीक है, और ग्रास ऊपर में कैसे होते हैं, साल्ट फुदक फुदक के चलते हैं, फुदक फुदक के, फुदक फुदक के, यानी कि जंपिंग टाइप, इन्हें साल्टोरियल को और क्या बोल सकते हैं, जंपिंग टाइप। तो बेटा जंपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है, फॉरी माउथ पार्ट कह रहे यार, जो हमारे लेग होते हैं, ठीक है, यही होता है डिपार्टमेंट ना होना, हमारे जो लेग होते हैं, देखा, तो साल्टोरियल या जंपिंग टाइप कैसे होते हैं ये बेटा आपके ग्रास ऊपर के अंदर होते हैं, लेकिन जो वॉकिंग या एम्बुलेटोरियल टाइप होते हैं ये होते हैं कॉकरोच के अंदर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, कॉकरोच के अंदर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक। इसके अलावा, ठीक है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए कि जो हमारा हेड लॉज होता है, ठीक है, हेड लॉज के अंदर कैसे होते हैं, तो बेटा ये स्किन से लगे होते हैं, ठीक है, या कह सकते हो स्किनटोरियल, स्किनटोरियल टाइप जो है, स्किनटोरियल टाइप किस में होते हैं, ये आपके जू के अंदर होते हैं, हेड लॉज के अंदर होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और याद रखिएगा, रनिंग टाइप जो होते हैं, हाँ बिल्कुल, आंट्स के अंदर कैसे होते हैं, रनिंग टाइप होते हैं भैया, चींटियां जो है बहुत तेज चलती हैं, हाँ, रनिंग टाइप के जो आपके लेग होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लेग, ये किसके अंदर होते हैं, आंट्स के अंदर होते हैं। पता है रनिंग टाइप को और क्या बोलते हैं, किसी को पता है रनिंग टाइप को और क्या बोलते हैं, बेटा कर्सोरियल बोलते हैं, याद रखा करो, जो रनिंग टाइप होता है उसे हम लोग और क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कर्सोरियल टाइप बोल देते हैं। तो कर्सोरियल टाइप के जो हमारे लेग होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो हमारे आंट फ्लाई, आपके आंट्स के अंदर होते हैं, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब हमारा होता है क्रिकेट्स, तो आपने देखा होगा क्रिकेट्स है, गिर 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 गिर, ठीक है, मतलब इनके अंदर आवाज आती रहती है, क्या आती है भैया, आवाज। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे क्रिकेट्स होते हैं, क्रिकेट्स, इन क्रिकेट्स के अंदर कैसे होते हैं, स्टिल आपका साउंड प्रोड्यूसिंग, तो फिर कौन से स्टिल डुलेटरी बोलते हैं, या ले सकते हो साउंड में साउंड प्रोड्यूसिंग। तो साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप के जो लेग होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर होते हैं, वो बेटा आपके क्रिकेट्स के अंदर होते हैं, ठीक। तो क्रिकेट से कितना डरा, साउंड के प्रोड्यूसिंग, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप किसके अंदर है, क्रिकेट्स के अंदर होते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है, बोलो यहां तक सब क्लियर है? तो आपके लेग हो गए हैं, इंपॉर्टेंट लेग्स हो गए मॉडिफिकेशन, आपके इंपॉर्टेंट एंटीना हो गए मॉडिफिकेशन, और साथ ही साथ आज आपका इंपॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट थे, एंटीना थे और लेग थे, तीनों चीजें निपट गई। यहां तक वाई टाइप कर दो फटाक से,
यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ, हनी बी के अंदर फॉर्जेरियल होते हैं, पोलन कलेक्शन टाइप होते हैं, हनी बी के अंदर पोलन कलेक्शन फॉर्जेरियल टाइप, क्लियर है? वाई टाइप कर दो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, लाइक बटन में भाई प्रेस कर दो, जो बच्चे लाइक बटन में प्रेस नहीं किए लाइक बटन में प्रेस कर दिया करें। हाँ ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमम सॉइल पीएच फॉर ग्रेप कल्टीवेशन? एफओ के 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा इसका आंसर। एफओ के 2019 में पूछा गया था, व्हाट इज द ऑप्टिमम सॉइल पीएच फॉर कल्टीवेशन, बताइए। हाँ शायद कल की क्लास करके आज सब थक गए। अरे अरे कोई बात नहीं, कल बताएं हुआ क्या था, हम बताते हैं। कल जो बहुत से बच्चे ऐसे जिनका दिल टूट गया था, ठीक है, बड़े हताश थे। अब हताश थे तो उन्हें हताशा दूर करनी थी, है ना, तो आराम से क्लास देख रहे थे। कुछ ऐसे दिन के अंदर कल बहुत जोश आया था, अरे साला कल, कभी कभी नहीं होता कि किसी का तुक्के से निकल गया, तो कल हो सकता है कि कुछ बच्चों का ऐसा हो कि जिनका निकल गया हो और जिनकी मेंस की तैयारी ना हो, प्री की तैयारी अच्छी हो, अरे साला मेंस निकाल देंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, और तैयारी करने लगे। तो कल वाली क्लास देख लिया, आज पता लगा कल तक, फिर कल से लेकर आज तक लगभग काफ़ी टाइम हो गया, तो बच्चे कुछ बच्चे बोले अरे यार 10 दिन में उसका नहीं निकला, उसका नहीं निकला, उसका नहीं निकला, मेरा कहाँ से निकलेगा। सही कह रहा हूँ, छोड़ा यार क्लास लाभ, चलो यार मूवी देखते हैं, ठीक है, हुई अगली बार देखो, प्रीस बार निकल गया अगली बार भी निकल जाएगा, ठीक है, और सारा मेंस पढ़ लेंगे ताकि टेंशन ना हो। तो ये दिक्कत हो जाती है, आई नो वेरी वेल क्या क्या समस्या है, क्योंकि मेरे पास कल बहुत फोन आया, दो चार हमारे पास फोन ऐसा है कि सर जी मेरा प्री निकल गया और मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कैसे निकल गया, ठीक है, हमने कहा नालायक, कह सर जी आप बताओ हम क्या करें, ठीक है, बताओ फिर स्टडी 10 दिन में कैसे निकाले, हमने कि अभी पहले पढ़े थे, पहले आज तक फिर जी हमने बहुत कम एग्रीकल्चर पढ़ी है, हम बायो बैकग्राउंड के, हमारा निकल गया प्री, ठीक है, अब बताओ कैसे पढ़े, बहुत एकदम, तो ये सब समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई क्लास करो निकल जाएगा, तो कल वाली क्लास वो भी किए होंगे आज नहीं किए होंगे, तो ये हो जाता है, और कोई दिक्कत थोड़ी होती है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6.5 से 7 हो जाएगा, ठीक। तो ग्रेप के लिए 6, अच्छा वैसे ग्रेप के लिए मैं आपको ऑप्टिमम बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हो, वैसे 5.5 से 6.8 ये ग्रेप के लिए एकदम ऑप्टिमम पीएच होता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई ग्रेप तो हम लोग पढ़ते भी हैं, तो ऑप्टिमम अगर पीएच की बात करेंगे तो 5.5 से 6.8 होता है। अब देखो ग्रेप से कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं, जो नॉर्मल एफओ में बनते हैं उनकी बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी आपकी हॉर्टिकल्चर में बात कर लेंगे हम लोग, टेंशन ना लो। देखो ग्रेप की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, ग्रेप में देखो दो तरीके की वाइन होती है, ठीक है, आपसे पूछता है कि ग्रेप में एक होता है बेटा मस्कोडाइन, मैं करवा चुका हूँ कई बार, एक होता है यूवेटस, अब तो आपको ये सब याद होना चाहिए। देखो जो मस्कोडाइन होता है ग्रेप, जिसे बोलते हैं बीटिस रोटेंडी फोलिया, उसके अंदर 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, और यूवेटस के अंदर कितने होते हैं, 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं बताइए ग्रेप के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो ग्रेप के अंदर जो बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं, आपका बेटा 38 होते हैं मुख्यतः, कौन सा यूरोपियन, क्योंकि देखो कॉमर्शियली जो ग्रेप किया जाता है, कॉमर्शियली जो ग्रेप होता है ना बच्चों, वो हमारा यूवेटस वाला ही होता है। दूसरी चीज क्या समझ में आती है, देखो क्वेश्चन पूछाता है कि जो हमारा ग्रेप है इसमें मुख्यतः ट्रेनिंग कौन सी अपनाते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ग्रेप में मुख्यतः ट्रेनिंग कौन सी अपनाते हैं। तो देखो भैया ग्रेप में जो ट्रेनिंग अपनाते हैं वो दो ट्रेनिंग अपनाते हैं, अगर पूछेगा एडवांस, बहुत एडवांस कौन सा, तो आप लगाओगे वाई ट्रेल सिस्टम, ये कैसा है, एडवांस मेथड है। अगर नॉर्मल पूछेगा तो आप लगाओगे बॉवर सिस्टम, क्या लगाओगे, बॉवर सिस्टम ग्रेप में अपनाते हैं, ठीक। इसके अलावा भाई ग्रेप वाइन ही प्लांट है, तो इसमें हम लोग सब सिस्टम अपना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका वावर हो, चाहे वो हम लोग कह सकते हैं उसे निफेन सिस्टम हो, ठीक है, चाहे आपका हेक्सागोनल हो, ठीक है, वो तो टाइप होता है, टेलीफोन सिस्टम हो, ठीक है, वो भी हम लोग अपना सकते हैं, ठीक है, एक हाँ। अब ट्रेनिंग से एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, जो निफेन टाइप सिस्टम होता है उसी को हम लोग फोर कैन सिस्टम बोलते हैं, इसको याद रखो, एग्जाम में आएगा बच्चों, जो आपका निफेन होता है, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, जो हमारी क्लास आने वाली है उसे रिपीट कर दूंगा, जो निफेन टाइप होता है, ठीक है, उससे याद रखना, उसमें हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग फोर कैन सिस्टम बोल देते हैं, फोर कैन सिस्टम। और जो हमारा दूसरा सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग टेलीफोन बोल देते हैं, वो टेलीफोन सिस्टम को हम लोग और क्या बोलते हैं, सिक्स कैन सिस्टम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्स कैन सिस्टम, ठीक है, ये कहानी याद रखना, क्लियर भाई हो, बड़े आगे चलो अगले बढ़ते हैं। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन को याद रखा करो, हाँ यूनिवर्सल डिफिसिट किसकी होती है, मैगनीज की होती है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमम पीएच फॉर गुआवा कल्टीवेशन, ये भी 2019 में, देखो 2019 में तीन क्वेश्चन पीएच से आए थे, एक तो बनाना का पूछा गया था, एक गुआवा का, एक ग्रेप का, तो मैं मेरा बताना उद्देश्य आपका है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, हाँ बंदरों का और बता देंगे, हाँ ठीक है ओके ओके बताओ भाई।
ऑप्टिमम पीएच फॉर गुआवा कल्टीवेशन 5 से 7.8, 3 to 5, 8 to 10 या ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा 5 to 7.8। हालांकि गुआवा के लिए 8.5 तक पीएच चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 7.8 के आसपास गुआवा में कल्टीवेशन रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी याद रखना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ क्वेश्चन रखने रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट करंट फ्राइज डेवलप, ये भी पूछा गया था एएफओ के 2019 में, ठीक है। आपके 2019 पूछा क्वेश्चन था, बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट करंट फ्राइज डेवलप, करंट फ्राइज का बिल में क्या पड़ा। हाँ मैं इसका पीडीएफ भी सेंड किया था। अच्छा कहा तुम लोग कुछ और बात करते हो क्या, अच्छा हम पढ़ाते रहते तुम लोग क्या आपस में बताते रहते हो, अच्छा 8 बज जाएं फिर मेरी राहुल से बात हो जाएगी, 8 बज जाएं ठीक है हाँ मैं सूरज से बात कर लूँगा, वो आपस में लगे हुए हैं, ठीक है 8 बज जाएं हम और पुतिन आपस में बतियाएंगे, ठीक है हाँ बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, क्या तुम लोग इसलिए बैठते हो क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना के बैठे हो क्या, नालायक। ओके क्या हो जाएगा एनडीआरआई करनाल, क्या रहेगा एनडीआरआई करनाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी फीडरा पोटेशियम, बताइए ये भी एफओ के 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हैवी फीडरा पोटेशियम कौन सा होता है, बीटल वाइन होता है, जैकफ्रूट होता है, बनाना होता है कि एप्पल होता है। अब देखो भैया क्योंकि फरीद जी आज ज्यादा क्वेश्चन अब हॉर्टिकल्चर के लिए क्या और रात वाली क्लास में, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ये भैया जी एफओ 2019 में है तो अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के आए थे तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है हाँ चलो अब पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी फीडरा पोटेशियम, पोटेशियम का हैवी फीडर कौन सा होता है बोलो, हाँ हाँ बोलो, बीटल वाइन, जैकफ्रूट, बनाना या एप्पल, फटाक जल्दी जल्दी बोला करो यार, तुम लोग बहुत देर लगाते हो, हाँ क्लास खत्म होने वाली आ जाती है तुम लोग लेट कर देते हो, हाँ तुम लोग तुम्हारे लिए हम और भी क्लास प्लान कर रहे हैं ताकि तुम्हारा, देखो अब तुम लोग रात को 8 बजे थक भी गए होगे इतने दिन से क्लास करते करते, लगभग 64-65 क्लास कर गए, हम तो नहीं थके, आप लोग थक गए होगे तो आपके लिए और भी क्लास प्लान कर रहे हैं, टेंशन लिया करो, हाँ मस्त तरीके से क्लास किया करो। क्या रहेगा बनाना हो जाएगा, क्या रहेगा बनाना, ठीक है। आगे देखो सिगटोका लीफ स्पॉट ये डिजीज हो, बताइए अब मैं आपको सब डिजीज करवा देता हूँ, सिगटोका लीफ स्पॉट बताइए किसका डिजीज है, बताओ फटाक से, सिगटोका लीफ स्पॉट बोलो फटाक से, हाँ हाँ पंजाब सब इंस्पेक्टर का मुझे पता नहीं बच्चा, मुझे उसका पता है आपके एडीओ का पता है, एडीओ में हॉर्टिकल्चर आती नहीं है, हाँ सब इंस्पेक्टर को हम एक बार देख लेंगे, हाँ सर कल वाला जोश नहीं दिख रहा, अरे बेटा ठीक है जोश बेटा अपने ऊपर है, तुम लोग 100 दिख भी तो नहीं रहे हो, तुम लोग 100 दिख जाओगे जोश अपने आप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है जोश डेली रहेगा डॉक्टर साहब, टेंशन ना लिया करो, जोश का क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बनाना हो जाएगा। अब देखो अब मैं आपको सभी क्वेश्चन करवा देता हूँ ध्यान से, ठीक है ध्यान से करवा देता हूँ, देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन और कौन कौन से पूछते हैं ध्यान से देखो, देखो बनाना से पूछेगा पनामा बिल्ट, सिगटोका, बंची टॉप और मोखा, ये चार भैया डिजीज बड़ा खतरनाक है, बंची टॉप ठीक है, पनामा, सिगटोका ठीक, ये तीन ऐसे जो काफी एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा एक और होता है जिसने मोको डिजीज, मोको ये आपके बनाना के बहुत फेमस डिजीज है, कैसे बनाना के बहुत फेमस डिजीज है ठीक। हाँ इसके अलावा आपसे कभी कभी पूछता है बताइए कि बेटा जो पनामा होता है ये किससे लगता है, ये फंगस से लगता है, और फंगस के अलावा पूछता क्या है बच्चों कि भैया कौन से रसिस्ट कौन सा ठीक है कौन सा ऐसी वैरायटी है जिसमें कि हमारा ये पनामा नहीं लगता, तो मैंने आपको वैरायटी करवाई थी कौन सी, एक कराई थी बसरई ड्वार्फ, एक कराई थी पूवन, तो लिख लो बसरई ड्वार्फ और पूवन, तो हमने इसके लिए आपको क्या कराया था, एक चौपाई याद कराई थी, क्या करवाई थी बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ क्या करवाई थी, बसरई ड्वार्फ पूवन दो नामा नहीं लगता इनमें पनामा, क्या बोलते हैं बसरई ड्वार्फ पूवन दो नामा नहीं लगता इनमें पनामा, ठीक अच्छा अब पूछ रहे हैं पनामा भैया किससे लगता है, तो फंगस से लगता है, तो कौन सा, फ्यूजेरियम ऑक्सिस बोरम वैरायटी क्यूबेंसिस, ठीक है तो ये भी आपसे पूछ सकता है आराम से कि फ्यूजेरियम ऑक्सिस बोरम वैरायटी क्यूबेंसिस, ठीक है ये देखो फ्यूजेरियम ऑक्सिस बोरम वैरायटी जो क्यूबेंसिस है ये मुख्यतः पनामा को कॉज करता है, ठीक तो इतने क्वेश्चन पनामा से समझ रहे हैं, हाँ ठीक है आगे लगती, अब देखो जो हमारा दूसरा होता है सिगटोका, ठीक है इसके लिए कभी कभी पूछता है कि कौन सी क्लोन रेसिस्टेंट होता है, तो ए बी बी ये जो क्लोन है ए बी बी ये कैसा होता है रेसिस्टेंट होता है, ठीक और डबल ट्रिपल ए वाला कैसा होता है आपका ससेप्टेबल होता है, तो इसका जो स्ट्रेन है ए बी बी वाला इसको भी समझाएंगे ये क्या होता है, ये मेनली क्या होता है सिगटोका के लिए रेसिस्टेंट होता है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, प्लस आपसे क्या पूछ सकता है बताइए कि जो हमारा बंची टॉप होता है ठीक है ये
वायरस से फैलता है, तो मतलब वायरस जो है कॉज करता है, फैलता किससे है? तो बंची टॉप कैसा है? वायरल है, फैलता किससे है? तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो लिख लेना। एक होता है एफिड, क्या होता है? एफिड। तो एफिड से क्या होता है? बंची टॉप फैलता है। एफिड से क्या होता है? बंची टॉप फैलता है, ठीक है। अच्छा, अब बचा है मौका। तो आपसे पूछता है कि मौका डिसऑर्डर जो है, मौका डिजीज जो है, मुख्यतः किसमें लगता है? तो बनाना में लगता है। किससे लगता है? तो ये बैक्टीरिया से लगता है। किससे लगता है? बैक्टीरिया से, ठीक। इसका भी नाम याद रखना। उसका नाम अगर पूछे तो याद रखना, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम। स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम जो है इसका साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है। हाँ, लेडी फिंगर जो है, वेरी गुड। लेडी फिंगर जो है बंची टॉप रेसिस्टेंट वैरायटी, वेरी गुड। हाँ, लेडी फिंगर और वीरू पक्षी दोनों होती है। एक वीरू पक्षी होती है, एक लेडी फिंगर होती है। ये दोनों वैरायटी बंची टॉप के लिए रेसिस्टेंट होती है, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को। चलो, मैं ऐसे तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर दूंगा, डोंट वरी, आराम से बैठो। अभी अगली बार मैंगो के लिए आऊंगा। आगे देखो, टी मॉस्किटो बग इज अ पेस्ट टॉप, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। टी मॉस्किटो बग कैसा पेस्ट है? कॉफी का, काजू का, कोकोनट का, ये जैक फ्रूट का, बताइए। टी मॉस्किटो बग, यार एक बात बताओ, तुम लोग 90 लोग बहुत देर से देख रहे हो, कैसे बंदे हो यार, ठीक है। तुमको शर्म वरम भी नहीं आती ना लायक हो? 90 लोग देख रहे हो, अगर एक एक बच्चा लाइक बटन पे प्रेस मार देना तो अभी 100 हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो, लाइक करने से क्या हो जाएगा, बच्चे 100 आ जाएंगे, ठीक है। ये है और कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, बहुत नालायक हो गई हो, बहुत नालायक हो गए हो, कसम से ये बहुत नालायक हो गए हो। ओके, चलो, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा बेटा? हाँ, काजू इसका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? काजू जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉफ़ी की बात करते हैं। तो कॉफ़ी में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये क्या है, किंग ऑफ बीवरेज है, ठीक। काजू से पूछेगा सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, कोकोनट से पूछेगा कि इसका टाइप ऑफ फ्रूट ड्रूप होता है, और जैक फ्रूट से क्या पूछेगा, सबसे बड़ा फ्रूट होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पंजी टिश्यू रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की स्पंजी टिश्यू रेसिस्टेंट प्रजाति कौन सी, बताओ। स्पंजी टिश्यू रेसिस्टेंट प्रजाति मैंगो की कौन सी है, ठीक है। रत्ना होती है, अर्का अनमोल होती है, अर्का ओहो तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। अर्का अनमोल दो बार लिख दिया है, अर्का अरुण, अर्का अनमोल, रत्ना। अब बताओ, तो ऑल ऑफ दीदी अंदर जाएगा, क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीदी जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पंजी टिश्यू की बात करेंगे तो रत्ना, अर्का अनमोल, अर्का अरुण, ठीक है, अर्का पुनीत, ये सभी कैसी होती है? स्पंजी टिश्यू के लिए रेसिस्टेंट होती है। अच्छा, स्पंजी टिश्यू सबसे अधिक किसमें लगता है, बताओ। अच्छा, मैं आप लोग बताओ, स्पंजी टिश्यू जो है सबसे अधिक किसमें लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा जो ससेप्टेबल वैरायटी होती है, ससेप्टेबल वो कौन सी होती है, बताइए। फटाक से बताइए, सबसे ज्यादा जो ससेप्टेबल वैरायटी स्पंजी टिश्यू के लिए होती है वो कौन सी होती है? तो बेटा अल्फांसो होती है। अल्फांसो में क्या है, स्पंजी टिश्यू बहुत तेजी से अटैक करता है, ठीक। हाँ, ये तो स्कैम हो गया। अरे नहीं नहीं पार्थेनियम वाज सक्सेसफुली कंट्रोल्ड बाय, बताओ किस बायोलॉजिकल पेप्ट से हम लोग, हाँ हाँ फलो फलो में हो गया, बताओ। पार्थेनियम जो है सक्सेसफुली किससे कंट्रोल किया जाता है? ऑक्टोमा स्क्रोवेंसिस से, वीरोप्लाटा ग्रेल्डी से, जाइगोग्रामा वाइकोलराटा से, या डेक्टोलोप्लस इंडिकस से। अगर आपने मेरे से कभी बीट साइंस पढ़ी है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे, नहीं पढ़ी है तो सरल क्वेश्चन आंसर वैसे भी दे देंगे, ठीक है। बताओ जल्दी से बताओ यार, तुम लोग बहुत लेट करते हो भैया, ठीक है। हाँ बस, हाँ बस 2 मिनट सर, 2 मिनट, हाँ अब 2 के 5 भी हो सकते हैं। ओके, तो पार्थेनियम वाज सक्सेसफुली कंट्रोल बाई ऑक्टोमा स्क्रोवेंसिस, बराबर बड़ा भैया खत्म होने वाला है, जल्दी 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 बोलो, बस आखिरी क्वेश्चन। ऑक्टोमा स्क्रोफेसिस यूरोप्लाटा ग्रेल्डी जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ओके, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन विच क्रॉप, फटाफट बोलो, फटाफट, आखिरी क्वेश्चन है बड़ा, आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से आप दो कमेंट के अंदर, राइस वीट बारले सोर्गम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, इन इंडिया हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय इन विच क्रॉप, बोलो फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट बोलो, ठीक है। राइस वीट बारले सोर्गम, मफ्त तरीके से आप दो कमेंट के अंदर, छाप दो कमेंट के अंदर, हाँ ठीक है। आकाश शर्मा पता नहीं एक कमेंट कर रहा है, वांट टू विन विच क्रॉप HBCCV, वांट टू विन इन विच क्रॉप HBCCV विल, ठीक है। अरे एक बात लिख दो, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, वेरी गुड, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, क्या हो जाएगा, वीट हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ठीक है, वीट हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में बताया तो बहुत ही सरलनी होगा, बिल्कुल बता देंगे, इंडिया में, भारत में सबसे पहले हर्बिसाइड के लिए, यानी कि जो हमारे खरपतवार नाशी होते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी क्रॉप थी या कौन सी ऐसी फसल थी जिसने क्या किया, प्रतिरोध क्षमता जो है प्रदर्शित कर दी थी, देख रहे हो, प्रदर्शित कर दी थी, कौन थी, धान थी या गेहूं थी या बारले थी, बारले को क्या बोलते हैं, जौ बोल देते हैं, और सोरघम थी, ठीक है, यानी कि ज्वार थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गेहूं, ठीक है, आराम से बैठा करो, ठीक,
आगे देखो, तो ये हमारा देखो बस खत्म हो गया, 30 मिनट हो गया खत्म, ठीक है। प्लस आपके लिए कुछ और सरप्राइज है, बताते हैं अभी। पहले तो ये हमारा एफओ का कोर्स है, अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड हो तो एफओ के कोर्स में एनरोल कर सकता है। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आपको सिंपली एफओ में एनरोल करना है, और नया बैच स्टार्ट हो रहा है तो आपको Y612 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। किसी बैच के अंदर एनरोल करके Y612 लगाएंगे आप। प्लस अब आपका सरप्राइज देख लो, देखो ये है संकल्प। ये क्या है? ये संकल्प है। ये संकल्प किस चीज का है? देखो अब आपको आगाज मिल रहा था, आपको संकल्प नहीं मिल पा रहा था, तो भैया सर जी, संदीप सर जी आपके लिए संकल्प लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कल जो है आपका 10 बजे, 9 days 9 classes, यहाँ देखो 9 days 9 classes, अरे टाइम बढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, बढ़ा देंगे यार, पहले इसको करो। तो ये क्लासेस आपको कल मिलेगी, तो हो सकता है देखो अभी मेरे पास अगर आधा घंटा मिलता है ना तो आपको और ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी। तो कल आपको सुबह 10 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है। प्लस एक और चीज है, ये क्या है? करंट अफेयर रिविजन, ठीक है, ये भी आपके फंदी सर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो संकल्प, एक तो आपका संकल्प की आदत डालनी है, अगर आपको आगाज करना है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। प्लस आपको करंट अफेयर की क्लास भी सर की अटेंड करनी है, जो आपकी डेली क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत आएगी उनको भी करवा दिया जाएगा, सर आपको करवाएंगे, ठीक है। सर की क्लास रहेगी मेरी, रात को 8 बजे डेली क्लास रहती है, उसको भी अटेंड करेंगे। प्लस एक स्पेशल क्लास मैं आपके लिए परसों 12 बजे लेके आ रहा हूँ, उसे भी अटेंड करेंगे। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत हो समस्या, देखो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, सर आपको क्लासेस दे रहे हैं, मैम भी आपको क्लासेस दे रही है, इन सभी क्लासों को कंबाइनली आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहले ही कम रखिए तो कोड यूज ना करना पड़े, हिंदी लैंग्वेज में भी वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। हाँ कमलेश जी, आप बहुत सी चीज़ों से अवेयर नहीं है, ठीक है। हाँ अगर अवेयर हो, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इसीलिए जब अवेयर नहीं होते तो अपनी भाषा को कम रखते हैं, ठीक, मुझे पता है, ठीक है। तो आराम से बैठो, टेंशन ना लो, और बाकी हिंदी के लिए भी मैं कोर्स ला रहा हूँ, आप टेंशन लीजिए, मैं लाऊंगा यार कमलेश जी, भरोसा तो रखो यार, तो भरोसा नहीं रखते यार सर पर अपने, मेरे भरोसा रखो यार कमलेश, लाऊंगा यार कोर्स, आराम से लाऊंगा, तुम आराम से पढ़ोगे, तुम बस पढ़ने के अंदर कैफिट रखो, हाँ ठीक है। बस चल, आप देखो दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, आपके कोर्सेज को आप कैसे एनरोल करना है ध्यान से देख लो। आप सिंपली गए, बस सर एक मिनट, आप गए सिंपली ऑल कोर्सेज में, आप गए ऑल कोर्स में, जाने के बाद एग्रीकल्चर में गए, और एग्रीकल्चर में आपके पास पंजाब एडीओ, बिहार का BCPSC और IFS AFO है, ये सब बैचेस हैं, ठीक है। AFO में जाना है आपको, ये आपको सभी बैच दिख जाएंगे, जैसे मेरा स्पेशल आगाज संकल्प, ये आपके पैड बैचेस हैं, यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको डिटेल में अच्छी तैयारी करनी है, ठीक, तो आप हमारा AFO का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 12 महीने की वैलिडिटी होगी, ठीक है। कोड आपको लगाना है Y612, ठीक है, ये आपके फैकल्टी के कोड होते हैं, कमल जी आप ध्यान रखिएगा, फैकल्टी के कोड होते हैं कि आपको भाई जिस फैकल्टी की क्लास अच्छी लगी आपने क्लास देख के आपने कोड लगा दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप हर एक चीज़ को डिनोट किया जाता है। तो Y612A लगाना है आपको, लगाएंगे आपको 77% ऑफ मिल जाएगा, तो आपको 3200 का पूरा बैच मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता कि जब आप कोर्स खरीद रहे होते हैं तो आपको कोड लगाने में कोई दिक्कत होगी, कमल जी दिक्कत तो नहीं होगी ना, ठीक है। कोर्स का प्राइस 3000 हो गया, और इसके इसमें जो प्री पी मिलेगा और आपको मेंस भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो प्री प्लस मेंस दोनों आपको मिल जाएगा इस फाउंडेशन बैच के अंदर, ठीक है। नहीं इनरोल किया तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ दूसरी चीज क्या है, मेरा आगाज बैच स्पेशल बैच है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपको पूरी हॉर्टिकल्चर डिटेल में करवाएंगे हम, किसी भी एग्जाम के लिए आपकी हॉर्टिकल्चर होगी, सब एग्जाम के लिए मैं अच्छे से कवर करूंगा। प्लस बीड सर एक्सटेंशन आपको एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएगी। सर इसको कैसे लेना है? सिंपल वाई नाउ करना है, और वाई नाउ करने के लिए आपको क्या लगाना है, Y612 Y612 लगाना है, ठीक है। 735 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है, इसकी वैकेंसी आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है, ओके। हाँ सर बंद दरोगा में हो गया है मेरा सिलेक्शन, थैंक यू सो मच, अभी पढ़ाया था, ओके, बहुत बहुत शहर का भूत, आप अपना नाम भी बता दो शहर का भूत अफली, ठीक है, ताकि आपको ऐसे नाम लेके बोल सके। अब हम क्या बोलेंगे, शहर के भूत का सिलेक्शन हो गया तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, अपना नाम भी बता दिया करो अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। हाँ ओके चलो, कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब हम लगते हैं सर जी वेट कर रहे हैं, ओके। तो अब आपके नेक्स्ट में आपसे मिलते हैं, ठीक है। बैच लेने के लिए आप सिंपली इनरोल कर सकते हो, इसके अलावा MSc का बैच भी आ चुका है, पंजाब एडीओ का बैच भी चल रहा है, और बिहार का बैच चल रहा है, बिहार का BSFSC, तो इनके लेने के लिए भी आप Y612 लगा सकते हो, डिस्काउंट उसमें भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक। मस्त तरीके से क्लास करो, और कल संदीप सर की क्लास हुई उसे भी अटेंड करना मस्त तरीके से, कोई दिक्कत हो बताइएगा। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल। और हाँ, चैनल कहाँ नहीं सब्सक्राइब किया हो, तुरंत मारो सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए गुड़गांव आना, बिल्कुल आना भाई, बिल्कुल आना।